हम आए अपने पौन सिंह के लिए, मौका चाहिए, हम सेवा करेंगे, हम दूसरा के विषय में कुछ बात नहीं करते। पब्लिक ने मतलब मन बना लिया है पवन सिंह को जिताने का। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ हम लोगों से राय जान रहे हैं अब की बार कौन जीतेगा। और इस बार का जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पर आ चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आरा पवन सिंह का अपना क्षेत्र है, तो उन्होंने काराकाट को ही क्यों चुना? ये भी तो पहले और ना था, ये भी हम शाहबाद जोन में ही हैं, तो हमारा छोड़ करके कहाँ गए हैं लोग, दूर दूर सर क्या कहाँ के रहने वाले कहाँ से लड़ते हैं, हम तो आरा जोन में ही हैं, शाहबाद जोन में, हम बाहर कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर जो भी अभी कैंडिडेट जीतता है बड़े बड़े चुनावी वादी करता है, पर कोई भी उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो पवन सिंह पर कैसे भरोसा किया जाए? अब देखिए, अपना बड़ाई करना, दूसरों को शिकायत करना मैं ये पसंद नहीं करता हूँ। हम आए अपने पवन सिंह के लिए, मौका चाहिए, हम सेवा करेंगे, हम दूसरा के विषय में कुछ बात नहीं करते, हम वादा करेंगे तो करेंगे। हाँ, जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पूरा विनाश कर दिया गया है क्षेत्र, जो मैंने ये होगा सब होगा, विकास का काम होगा, यानी पवन सिंह विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, खड़ा होंगे जीत, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा तो सेवा नहीं करेंगे, मैंने जीतेंगे तो सेव के ना कहा जाएगा, उनको जनता का सेवक ही कहा जाएगा, तो सेवा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आप ये भी कहा जाता है कि आप पवन सिंह को बहुत मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, हम तो गोविंद विद्यार्थी को भी बहुत मानते हैं, इनसे पूछिए कि मानते हैं कि नहीं। सर बताइए पवन सिंह के बारे में कुछ। अब हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है, अब पवन सिंह जी के लिए गाना हमने बहुत लिखा और लिखते अभी भी लिखते हैं, तो अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हमारा भी घर पड़ता है अकोड़े गोला, और वो बड़ा खुशी की बात है कि हमारे अपने संसदीय क्षेत्र से पवन जी लड़ रहे चुनाव, तो हम लोग तो जितना भी है हमारा जितना भी हम लोग तहे दिल से सपोर्ट पवन सिंह जी को कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग बहुत सा अपने बहुत मित्र बने हैं, मित्र भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग का पूरा सपोर्ट है, और हम लोग तो यही चाहेंगे भाई कि अपना हमारा कलाकार भाई भी हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं पवन सिंह जी, क्योंकि हम उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम रहे हुए हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन हम तो रहे हुए हैं साथ, बहुत रहे हुए हैं ना, तो पवन सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं एक तो सबसे पहले, और बहुत अच्छा बात है कि काराकाट के लिए एक बहुत अच्छा उम्मीदवार मिले हुए हैं ये पवन सिंह जी, तो पवन सिंह जी को जिताना है और जीत पूरा विश्वास है कि बहुत मतलब इस पहली बार में ही वो जीतेंगे। यहाँ पर जातिवाद चलता है बिहार में, तो जातिवाद के बीच में वो किस तरह से अपना सीट निकाल पाएंगे? जातिवाद तो चलता है, तो बहुत जगह चलता है, ऐसा केवल हम ही लोग के क्षेत्र में नहीं चलता, लेकिन पब्लिक का प्यार है, मतलब क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का, पब्लिक ने मतलब मन बना लिया है पवन सिंह को जिताने का। तो अभी हमने यहाँ पर जो है पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह से बात की और आशीष गोविंद विद्यार्थी जी से बात की।